अपने रिलीज के पहले दिन ही सलमान खान की मूवी किसी का भाई और किसी की जान ने एडवांस बुकिंग के मामले में तोड़ा दम और कहीं ना कहीं रिमेक शब्द इस मूवी को ले डूबा। सलमान खान की साल 2023 की सबसे बड़ी और फैमिली ड्रामा मूवी किसी का भाई और किसी की जान जिसे आज फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। मूवी की बात करें तो मूवी के लिए काफी अच्छी वैल्यूज एड हो रही थी, काफी अच्छे पॉइंट आ रहे थे और उसके बाद में मूवी कुछ कमाल नहीं कर पाई है। होता क्या है कि 2023 की शुरुआत हुई थी, हमने देखा था कि ऑलरेडी काफी बड़े रीमेक आए थे, जहां पर तीन बड़े रीमेक आए थे और उनका बजट था 100 करोड़ रुपए। मूवीज वो काफी अच्छी थी लेकिन रीमेक शब्द उनके साथ एड हो गया था और उनका कम्प्लीटली फ्लॉप होना तय माना जा रहा था और वो कम्प्लीटली फ्लॉप भी हो चुकी थी। तो ऐसे में एक बड़े रीमेक का नाम आया था जिसका नाम था किसी का भाई और किसी की जान। जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया तो ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था और ट्रेलर के लीड रोल में सलमान खान हमें नजर आ रहे थे, जो कि काफी अच्छी वैल्यूज एड लेकर आए थे। मूवी की बात करें तो मूवी एक मल्टी स्टार और एक मेगा बजट मूवी है जिसका 150 करोड़ रुपए के आसपास बजट है और मूवी अपने रिलीज के पहले दिन काफी बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। होता क्या है कि जब भी कोई मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो उससे पहले उसकी एडवांस बुकिंग को रिलीज किया जाता है, जो कि 4 से 5 दिन पहले खोली जाती है। तो इसकी भी एडवांस बुकिंग 4 से 5 दिन पहले खोली गई थी और एडवांस बुकिंग के मामले में तो इस मूवी ने कहने के लिए तो ये मूवी एक मल्टी स्टार और एक मेगा बजट मूवी है जिसका 150 करोड़ रुपए के आसपास बजट और मूवी को सुपर हिट होना तो लगभग 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा। वैसे लोगों की तरफ से इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जब से इसका ट्रेलर आया था तो लोगों ने कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया था और सलमान खान से जिस तरीके से उम्मीद करती थी वैसे वो उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नजर आए थे। स्पेशली जो उनको जो एक्शन सीन थे वो लोगों को काफी पसंद आए थे और उन्हीं एक्शन सीन के बदले जो एडवांस बुकिंग का जो आंकड़ा चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को भी इम्प्रेस कर पाएगा। एक और तो इस मूवी ने रिलीज से पहले भी काफी बड़े झंडे गाड़ दिए, क्योंकि मूवी को 100 से ज्यादा कंट्रीज में रिलीज किया जा रहा है। उसके बाद में जो 100 की संख्या आ रही है ओनली इंडिया में वो 5000 के आसपास आ रही है। ये मूवी अच्छी हो या खराब हो, रीमेक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो ईद के दिन जो रिलीज किया जा रहा है ना वो काफी अच्छा रहेगा और काफी अच्छी परफॉर्म भी करेगी। उसके बाद में होना क्या है कि लगभग 1 महीने तक कोई भी मूवी सिनेमाघर में रिलीज नहीं हो रही, तो इसलिए इस मूवी के लिए काफी अच्छे पॉइंट खड़े हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एडवांस बुकिंग के बारे में। तो एडवांस बुकिंग 4 से 5 दिन पहले खोली गई थी और मूवी ने काफी बड़े इतिहास भी रचे थे, लेकिन जो कम्प्लीटली आज की जो एडवांस बुकिंग आई है रिलीज के पहले दिन के लिए वो काफी बड़ी आई है। मूवी ने अपने रिलीज के पहले दिन के लिए जो कंप्लीट एडवांस बुकिंग ली है वो 3.60 करोड़ रुपए ली है और दूसरी सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग लेने वाली मूवी बनी है। अब देखना होगा कि मूवी ओपनिंग डे पर कितने रुपया कमाल कर पाएगी। 3.5 करोड़ रुपए के साथ लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेना तो बनती है और 15 से 16 करोड़ रुपए ये मूवी कमा भी लेगी।